हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैटिस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। दिस इज़ योर पूजा मैम और हम लोग कर रहे हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस की तैयारी। ठीक है, तो हम लोग ज्योग्राफी कंटिन्यू करेंगे। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज का वन शॉट रिवीजन मैंने आपको करवा दिया था। आज हम उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स का मिक्स हम पूरा क्वेश्चन आंसर्स इसके आज देखेंगे, ताकि आपका ये चैप्टर प्रिपेयर हो जाए। ऑल राइट, सो लेट गेट स्टार्ट, है ना। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, लेट मी टेल यू अबाउट प्रैटिस एजुकेशन। आपके लिए लेकर आया है एक लिमिटेड टाइम ऑफर। अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं PRATIS_10 और आपको एनरोल करना है KG से लेकर 12 तक, तो आपका ऑफर प्राइस है 9999 का। ठीक है, और यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, आप यहाँ से इंक्वायरी कर सकते हैं। प्लस आप गूगल प्ले स्टोर या iOS प्लेटफॉर्म से प्रैटिस एजुकेशन की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर ये अवेलेबल है। ऑल राइट, और जैसे ही आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, तो ये सभी फीचर्स आपको एप्लीकेशन में मिलेंगे, है ना। क्लासरूम वीडियोस, 3D वीडियोस, लेक्चर वीडियोस, स्मार्ट बोर्ड वीडियोस, रीसेंट लाइव लेक्चर्स, कंटेंट मिलेगा आपको, फ्री सॉल्यूशन मिलेगा, प्रैक्टिस टेस्ट और वर्कशीट आपको मिलेगी, चैप्टर वाइज डाउट सेशन आपके रहेंगे, है ना। आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो आप डायरेक्टली फैकल्टी से अपने डाउट सॉल्व कर सकते हैं। ऑल राइट, सो स्टार्ट करते हैं हम। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स पार्ट 2 चैप्टर 5 है ये आपका। MCQs देखेंगे हम इसमें, है ना। MCQs देखेंगे, शॉर्ट आंसर से डील करेंगे, लॉन्ग आंसर से डील करेंगे। MCQs आपके 1 मार्क के होते हैं, शॉर्ट आंसर्स जो है आपके 2 मार्क्स के भी हो सकते हैं, 3 मार्क्स के भी हो सकते हैं, और लॉन्ग आंसर्स आपके 4 और 5 मार्क्स के हो सकते हैं। ठीक है, सो गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम आर एग्जाम्पल्स ऑफ। गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम किसके एग्जाम्पल है? फेरस मिनरल्स, नॉन फेरस मिनरल्स, प्रिशियस मिनरल्स या नॉन मेटालिक मिनरल्स, बताइए ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? है ना, तो आप सभी जानते हैं कि गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम कितने एक्सपेंसिव होते हैं और ये क्या है, प्रिशियस मिनरल्स होते हैं, है ना। इनको आप ऑर्नामेंट्स की तरह पहनते हैं, ठीक है। तो ये किस कैटेगरी में आएंगे? प्रिशियस मिनरल्स। फिर हम बात करते हैं कोबाल्ट। कोबाल्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश मिनरल, फेरस मिनरल, नॉन फेरस मिनरल, एनर्जी मिनरल या नॉन मेटालिक मिनरल। कोबाल्ट किस कैटेगरी में आता है, है ना। तो कोबाल्ट जो है आपका फेरस मिनरल होता है, इसमें क्या होता है, आयरन कंटेंट रहता है। सैंड स्टोन एंड मिका आर एग्जाम्पल ऑफ, जो सैंड स्टोन होता है और मिका कौन सा एग्जाम्पल है, कौन सा मिनरल है, नॉन मेटालिक मिनरल है, एनर्जी मिनरल है, नॉन फेरस मिनरल है या फेरस मिनरल है, है ना। तो सैंडस्टोन और मिका ये जो है आपका नॉन मेटालिक मिनरल्स है, ठीक है। कोल एंड नेचुरल गैस आर एग्जाम्पल ऑफ, कोल और नेचुरल गैस कौन से मिनरल्स हैं, नॉन मेटालिक, एनर्जी, फेरस या नॉन फेरस। तो कोल, नेचुरल गैस क्या है आपके, एनर्जी मिनरल्स हैं, ठीक है, जिनसे आप एनर्जी जनरेट करते हो, राइट। है ना, डैश प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज, है ना। मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज के लिए किस चीज की जरूरत है, फेरस मिनरल्स, नॉन फेरस मिनरल्स, एनर्जी मिनरल्स या प्रेशियस मिनरल्स, है ना। मेटलर्जिकल मतलब जिनमें मेटल्स होने चाहिए, है ना। तो मेटल्स किस में होंगे इनमें से, ठीक है, तो आपके जो फेरस मिनरल्स होंगे इनमें क्या होगा, मेटल कंटेंट होगा, तो ये मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है।
फिर हम बात करते हैं कोल माइनिंग इन जोवाई एंड चेरापुंजी इज डन बाय फैमिली मेंबर्स इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग नैरो टनल नोन एज कौन सी माइनिंग बोलते हैं इसको जो जोवाई और चेरापुंजी में जो कोल माइनिंग है वहां पर फैमिली मेंबर्स मिलकर माइनिंग करते हैं है ना एक लॉन्ग नैरो टनल होती है जिसमें सारे फैमिली मेंबर्स मिलकर काम करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं रैट होल माइनिंग ओपन कास्ट माइनिंग अंडरग्राउंड माइनिंग या नन ऑफ द अबव है ना तो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे हम रैट होल माइनिंग है ना जैसे रैट होल करता है उसी तरीके से माइनिंग की जाती है ये एक नैरो टनल में सेडिमेंटरी रॉक्स ऑन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फ्लैंक्स ऑफ द पेनिनसुला है ना यहाँ पर जो सेडिमेंटरी रॉक्स है और आपका गुजरात में है ठीक है एंड हैव मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम डिपॉजिट्स है ना और कहाँ पर है पेट्रोलियम डिपॉजिट्स है ना और कहाँ पर है पेट्रोलियम डिपॉजिट्स यहाँ पर ऑप्शन ये गलत आ गया है ठीक है ऑप्शन आपका ए है एमपी ऑप्शन बी है आपका तेलंगाना ऑप्शन सी है आपका आसाम और ऑप्शन डी है आपका महाराष्ट्र है ना तो कहां पर है आपके सेडिमेंटरी रॉक्स जो है पेट्रोलियम डिपॉजिट्स इनमें से और कहां पर है वेस्टर्न ईस्टर्न और गुजरात के अलावा और कहां पर रहेगा ये तो ये रहेगा आपका आसाम में पेट्रोलियम डिपॉजिट्स कहां पर है आसाम में है सबसे पुराना ऑयल फील्ड जो है वो आसाम में ही है ठीक है ये यहां पर सही आया है ठीक है सेडिमेंटरी रॉक्स कहां पर है आसाम में पेट्रोलियम डिपॉजिट्स ठीक है फिर मैग्नेटाइट इज द फाइनेस्ट आयरन ओर विद अ वेरी हाई कंटेंट ऑफ आयरन अप टू मैग्नेटाइट में कितना परसेंट आयरन होता है 70% 50% 40% या 30% मैग्नेटाइट में कितना परसेंट आयरन होता है ना तो फाइनेस्ट है 70% आयरन होता है मैग्नेटाइट में ठीक है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट लाइज इन एंड एंड है ना तो दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट कहां पर है राजस्थान यूपी छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र गुजरात मध्य प्रदेश या मध्य प्रदेश उड़ीसा दुर्ग बस्तर चंद्रपुर है ना तो ये कहां पर है आपका छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बेल्ट ठीक है दुर्ग बस्तर आपका छत्तीसगढ़ में आएगा प्लस चंद्रपुर आपका महाराष्ट्र में आएगा है ना तो कहां पर है ये छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र बेल्ट बलारी चित्रदुर्ग चिकमंगलुरु तुमकुरु बेल्ट इन कर्नाटका हैज लार्ज रिजर्व ऑफ आयरन ओर कॉपर यूरेनियम या ग्रेनाइट यहां पर क्या है ना तो यहां पर आपका आयरन ओर बेल्ट है ठीक है लार्जेस्ट रिजर्व है आयरन के यहां पर डैश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज ओर इन इंडिया मैंगनीज ओर सबसे ज्यादा कहां पर है झारखंड उड़ीसा मध्य प्रदेश या वेस्ट बंगाल है ना सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज उड़ीसा ठीक है ये मैंने आपको समरी में भी बताया था इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस मिका डिपॉजिट्स आर नॉट फाउंड मिका डिपॉजिट्स इनमें से कहां नहीं मिलते अजमेर बेवाड़ हजारीबाग या कटनी मिका डिपॉजिट्स इनमें से कहां नहीं मिलते हैं ठीक है तो कटनी में नहीं मिलते हैं बाकी इन तीनों जगह पर मिलते हैं कटनी में मिका डिपॉजिट्स नहीं मिलते कोरापुट हैज लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ मिका बॉक्साइट आयरन ओर या मैंगनीज कोरापुट में किसके डिपॉजिट्स हैं ठीक है तो कोरापुट में बॉक्साइट के डिपॉजिट्स हैं यही सब चीजें आपको याद करनी है ना बींग मेलिएबल डक्टाइल एंड अ गुड कंडक्टर डैश इज मेनली यूज इन इलेक्ट्रिकल केबल्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज क्या बहुत ज्यादा मेलिएबल है डक्टाइल है और गुड कंडक्टर भी है ठीक है इसलिए वो इलेक्ट्रिकल केबल्स इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है स्टील मैंगनीज कॉपर या नन ऑफ द अबव है ना तो आप सभी जानते हैं कॉपर जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है इसीलिए है ना कॉपर इसलिए इसको केमिकल इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक केबल्स में यूज किया जाता है इंडियाज डैश डिपॉजिट्स आर मेनली फाउंड इन द अमरकंटक प्लेट्यू मैकाल हिल्स इन द प्लेट्यू रीजन ऑफ बिलासपुर कटनी क्या मिलता है यहाँ पर बॉक्साइट आयरन ओर स्टील या मैंगनीज
मैकाल हिल्स, अमरकंटक, बिलासपुर, कटनी, यहां पर सबसे ज्यादा क्या मिलता है ना? तो यहां पर मिलता है आपका बॉक्साइट। ठीक है। डैश डिपॉजिट्स आर फाउंड इन द नदर्न एज ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू में किसके डिपॉजिट्स हैं? छोटा नागपुर प्लेट्यू में किसके डिपॉजिट्स हैं? बॉक्साइट, मिका, कॉपर, आयरन ओर, है ना? छोटा नागपुर प्लेट्यू में किसके डिपॉजिट्स हैं? यहां पर मिका के डिपॉजिट्स मिलेंगे आपको। ठीक है। द प्रिंसिपल लिग्नाइट रिजर्व्स आर फाउंड इन डैश इन तमिलनाडु एंड आर यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो प्रिंसिपल लिग्नाइट रिजर्व्स है वो कहाँ पर है? तमिलनाडु में, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए काम आता है, मदुरई, वेल्लोर, नेवियली या टुटीगोरिन। कहाँ पर है? तो नेवियली में है, नेवेली में है लिग्नाइट रिजर्व्स। द डैश महानदी, सोन एंड वर्धा वैलीज कंटेन कोल डिपॉजिट्स। सतलज, नर्मदा, कृष्णा या गोदावरी। सतलज, नर्मदा, कृष्णा या गोदावरी, है ना? तो डी, गोदावरी। महानदी, सोन और वर्धा वैलीज जो है यहाँ पर कोल डिपॉजिट्स मिलेंगे आपको। मेजॉरिटी ऑफ इंडियाज पेट्रोलियम प्रोडक्शन इज फ्रॉम। इंडिया का मेजॉरिटी पेट्रोलियम प्रोडक्शन कहाँ से आता है? मुंबई हाय, आसाम, गुजरात या नन ऑफ द अबव। तो सबसे ज्यादा कहाँ से आता है? मुंबई हाय। डैश इज द ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। गुजरात, तमिलनाडु, आसाम या महाराष्ट्र। जो तो बताया मैंने, सबसे पुराना ऑयल फील्ड कहाँ है? आसाम में। ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे आपको, आपको याद करना है कहाँ पर आपके डिपॉजिट्स हैं, कौन सी स्टेट में है, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट रिजर्व्स कहाँ पर है, सबसे पहला कहाँ था, सबसे बड़ा कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें आपको याद होने चाहिए। ठीक है। कोल फील्ड कहाँ पर है, लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोल कहाँ है, मिका कहाँ है, मैंगनीज कहाँ है, कौन से फेरस मिनरल्स होते हैं, कौन से नॉन फेरस होते हैं, है ना? कौन से कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं, कौन से नॉन कन्वेंशनल है। ठीक है। ये सभी चीज़ें, मेटालिक, नॉन मेटालिक, ये सभी चीज़ों के एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे आपको एमसीक्यू में। आगे हम देखते हैं टू मार्कर, शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स। हाउ डू मिनरल अकर इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, है ना? इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिनरल्स कैसे पाए जाते हैं? तो इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स मिनरल अकर इन क्रैक्स, है ना? कैसे मिलेंगे मिनरल? क्रैक में मिलेंगे, क्रिवेसेस में मिलेंगे, फॉल्ट जो होता है, जॉइंट जो होता है, यहाँ मिनरल मिलेंगे, है ना? द स्मॉलर, जो छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं, छोटी छोटी जगह होती है, उसे वेन्स बोलते हैं। और जो लार्जर होते हैं होल्स, उसे हम क्या कहते हैं? लोड्स कहते हैं। जो लार्ज क्रैक्स होते हैं, बड़े बड़े क्रैक्स, बड़े बड़े जॉइंट, उनको लोड्स कहते हैं। और जो छोटे क्रैक्स होते हैं उन्हें वेन्स कहते हैं। तो ऐसे मिनरल्स हमें मिलते हैं रॉक्स से, इग्नियस और मेटामॉर्फिक। फिर वाई शुड द यूज ऑफ कैटल केक एज फ्यूल बी डिस्करेज्ड। ठीक है। जो रूरल एरियाज में जो कैटल केक होते हैं, है ना, मतलब जो गोबर होता है, उसको क्यों यूज किया जाता है फ्यूल में और वो क्यों डिस्करेज करना चाहिए? बिकॉज द यूज ऑफ कैटल केक एज अ फ्यूल शुड बी डिस्करेज्ड बिकॉज ह्यूज लॉस ऑफ ट्रीज। इसकी वजह से क्या होता है? लॉस ऑफ ट्रीज होता है, विल बी देयर वेन वी बर्न कैटल केक, है ना? जब भी आपको कैटल केक को बर्न करना होता है तो लकड़ियां भी चाहिए रहती है उसके लिए। तो यूज इट एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल, है ना? और उसको फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। तो इट मस्ट बी कंज्यूम्ड इन बायोगैस प्लांट फॉर इफेक्टिव यूसेज। अगर यूज ही करना है तो बायोगैस प्लांट में करना चाहिए ताकि उसका और ज्यादा इफेक्टिवली यूज हम कर पाए। वाई डज एल्यूमिनियम मेटल हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस, है ना? एल्यूमिनियम मेटल का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? तो एल्यूमिनियम मेटल हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस बिकॉज इट कंबाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल्स, है ना? क्योंकि बहुत सारे मेटल्स को एल्यूमिनियम ने सब्स्टिट्यूट किया है। एक तो ये लाइट वेट भी रहता है, जैसे कि आयरन को सब्स्टिट्यूट किया है, क्योंकि आयरन में जितनी स्ट्रेंथ है उतनी स्ट्रेंथ आपको एल्यूमिनियम में भी मिल जाएगी विद एक्सट्रीम लाइटनेस, है ना? जबकि आयरन, एल्यूमिनियम जो है वो लाइट वेट है ना? ऑल्सो गुड कंडक्टिविटी एंड ग्रेट मेलिएबिलिटी, है ना? मेलिएबल भी है, कंडक्टर भी अच्छा है। सो इट कैन बी यूज एज सब्स्टिट्यूट फॉर स्टील। और स्टील का सब्स्टिट्यूट भी यूज होता है। स्टील के बर्तन हम पहले यूज करते थे, बहुत हैवी होते हैं। अब हम एल्यूमिनियम के बर्तन यूज करते हैं, बहुत लाइट वेट होते हैं। ठीक है। कंजप्शन ऑफ एनर्जी इन ऑल फॉर्म्स हैज बीन राइजिंग ऑल ओवर द कंट्री, है ना?
पूरी कंट्री में जो एनर्जी का कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है. सो देर इज एन अर्जेंट नीड टू डेवलप अ सस्टेनेबल पाथ ऑफ एनर्जी डेवलपमेंट एंड एनर्जी सेविंग. तो हमें क्या करना है, एनर्जी को डेवलप भी करना है और एनर्जी को सेव भी करना है. सो सजेस्ट एंड एक्सप्लेन एनी थ्री मेजर्स टू सॉल्व दिस बर्निंग प्रॉब्लम. तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं भाई, तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए बजाय के हमारे प्राइवेट व्हीकल्स के. ठीक है, हमें इलेक्ट्रिसिटी स्विच ऑफ कर देनी चाहिए जब भी हमारा यूज़ नहीं हो रहा है. पावर सेविंग डिवाइसेस लगाने चाहिए घरों में, पावर इक्विपमेंट्स को मेंटेन करके रखना चाहिए, है ना. हमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज का यूज़ करना चाहिए बजाय कि कन्वेंशनल सोर्सेज का, है ना. जैसे कि सोलार प्लांट हमें लगाना चाहिए, सोलार एनर्जी का यूज़ करना चाहिए. तो ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं टू सेव द एनर्जी, और इसी की वजह से हम क्या कर पाएंगे, डेवलप कर पाएंगे एनर्जी को. देर इज अ प्रेसिंग नीड टू यूज रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, है ना. तो जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है हमें उसकी क्या करना चाहिए, उसको ज़्यादा यूज करना चाहिए. तो इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है हमें. तो इंक्रीज कंजप्शन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज हैज इंक्रीज आर डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल. हम बहुत ज़्यादा कंजप्शन कर रहे हैं एनर्जी रिसोर्सेज का, जैसे कि कोल, ऑयल, गैस, है ना. ऑयल जैसे कि हम पेट्रोल यूज़ करते हैं व्हीकल्स में, गैस हम यूज़ कर रहे हैं, हम कोल यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं. तो बहुत अनसर्टेनिटीज़ है अबाउट दीज एनर्जी सप्लाईज इन फ्यूचर, है ना. बहुत, क्योंकि ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल है, रिन्यू नहीं कर सकते हैं, लिमिटेड अवेलेबल है, बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं. तो हमें क्या करना है, इनका लिमिटेड यूज़ करना चाहिए क्योंकि फिर ये फ्यूचर जनरेशन के लिए नहीं बचेगा. सो यूज़ ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इज अ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑन द ग्रोथ ऑफ नेशनल इकोनॉमी आर गेटिंग एक्सपेंसिव डे बाय डे. और इसीलिए जो पेट्रोल के प्राइसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, है ना, क्योंकि ये खत्म होते जा रहे हैं, इनका शॉर्टेज होता जा रहा है और डिमांड बहुत बढ़ती जा रही है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं, है ना. तो ये जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है पॉज अ ग्रेट थ्रेट इन द फॉर्म ऑफ पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल इशूज. और आप इनका यूज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हो बट यही एनवायरमेंट को पोल्यूट भी ज़्यादा कर रहे हैं. बहुत धुआं हो जाता है जब आप व्हीकुलर व्हीकल्स यूज़ करते हैं, ठीक है. तो ये सारे चीज़ें जो है, एक तो शॉर्टेज भी है, यूज़ भी करना है, प्लस एनवायरनमेंट भी पोल्यूट हो रहा है, तो बहुत सारे कंसिक्वेंसेस हो रहे हैं. सो सोलार, विंड, टाइड, बायोमास एनर्जी फ्रॉम वेस्ट मटेरियल कैन दस यूज बी प्रूव्ड एडवांटेजेस इन लॉन्ग रन, है ना. तो हमें किस पे स्विच कर लेना चाहिए, हमें नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उन पर स्विच कर लेना चाहिए, क्योंकि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है और अनलिमिटेड है, है ना, इनएग्जॉस्टिबल है, कभी हवा कभी ख़त्म नहीं होगी, सन कभी ख़त्म नहीं होगा. तो ये चीज़ें हमें क्या करनी चाहिए, यूज़ करनी चाहिए. हाईलाइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ पेट्रोलियम, एक्सप्लेन द अकरेंस ऑफ पेट्रोलियम इन इंडिया. क्या इम्पोर्टेंस है भाई पेट्रोलियम का, तो फ्यूल देते हैं भाई फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग, है ना, एज अ लुब्रिकेंट यूज होता है मशीनरी में, रॉ मटेरियल में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में. पेट्रोलियम रिफाइनरीज जो हैं वो एक नोडल इंडस्ट्रीज हैं, किसकी, सिंथेटिक टेक्सटाइल की, फर्टिलाइजर्स की, केमिकल इंडस्ट्रीज की, ठीक है. पेट्रोलियम रिफाइनरीज होती हैं, ये एक नोडल इंडस्ट्री है, मतलब इन सब के ऊपर, सिंथेटिक टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर, इन सब में ये यूज़ होता है. कहाँ कहाँ पर मिलता है, तो मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम जो है इंडिया का इज फाउंड इन एंटीक्लाइंस एंड फॉल्ट ट्रैप्स ऑफ द रॉक फॉर्मेशंस ऑफ द टर्शरी एज. जो टर्शरी एज की रॉक फॉर्मेशंस हैं जिनमें फॉल्ट्स हैं, है ना, दरारें हैं, उसमें मिलता है. तो इन द रीजन ऑफ फोल्डिंग एंटीक्लाइंस और डोम्स इट अकर्स वेयर ऑयल इज ट्रैप्ड इन द क्रेस्ट ऑफ द अपहोल्ड, है ना. ऑयल जहाँ पर ट्रैप हो रखा है, तो ऑयल बियरिंग लेयर इज पोरस लाइमस्टोन और सैंडस्टोन थ्रू विच ऑयल में बी फ्लो, है ना. जो पोरस लाइमस्टोन होता है, सैंडस्टोन होता है, उसी में ऑयल बियरिंग लेयर होती है जिसमें से ऑयल निकलता है. सो द ऑयल इज प्रिवेंटेड फ्रॉम सिंकिंग और राइजिंग बाय इंटरवीनिंग नॉन पोरस लेयर. तो वो कहाँ चला जाता है, नॉन पोरस लेयर में चला जाता है जहाँ से वो सिंक ना हो, ठीक है. तो पेट्रोलियम फील्ड में आप आसाम बता सकते हैं, इंडिया में ओल्डेस्ट है, फिर आप मुंबई हाई बता सकते हैं, ठीक है. एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, है ना. हमें मिनरल को कंजर्व करना है, उसका इम्पॉर्टेंस बताना है, प्लस हाईलाइट करना है तीन मेजर्स टू कंजर्व देम. तो मिनरल्स जो हैं आर नॉन रिन्यूएबल और फाइनाइट इन नेचर,
है ना। तो कुछ मिनरल्स आपके क्या है, नॉन रिन्यूएबल है, जल्दी से रिन्यू नहीं होंगे और बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में है, तो उनका जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो बहुत स्लो है कंपैरिजन टू द रेट ऑफ कंजप्शन। हम उनको कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं और वो बहुत शॉर्टेज है, उनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो जियोलॉजिकल प्रोसेस जो है मिनरल फॉर्मेशन की, वो बहुत मिलियन ऑफ ईयर्स लगाती है और हमारा कंजप्शन डेली बढ़ता जा रहा है। तो दे आर वैल्यूएबल एंड शॉर्ट लाइफ पोजेशंस ऑफ अ कंट्री। सो कंटिन्यूड एक्सट्रैक्शन लीड्स टू इंक्रीजिंग कॉस्ट, और यहाँ पर अगर हम कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन करते रहेंगे इन मिनरल्स का, तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा हमें और कॉस्टली भी होते जाएंगे, है ना। जितनी डेप्थ में हम जाते जाएंगे उतना ही हमारी क्वालिटी डिक्रीज होती जाती है मिनरल्स की। सो तीन मेथड हम कर सकते हैं कंजर्व करने के लिए। एक तो मिनरल हैव टू बी यूज इन अ प्लान एंड सस्टेनेबल मैनर। हमें क्या करना है, प्लान तरीके से सस्टेनेबल मैनर में मिनरल्स को यूज़ करना चाहिए, प्लस इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजीज का यूज़ करना चाहिए ताकि हम लो ग्रेड ओर्स, है ना, लो ग्रेड ओर्स को भी इवॉल्व कर सके अच्छी क्वालिटी में, लो कॉस्ट में, है ना। हमें मेटल्स को रिसाइकल करना चाहिए, जो स्क्रैप होता है मेटल का उनको सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, इस तरीके से हम मिनरल को बचा सकते हैं। प्लस यूजिंग बेटर माइनिंग मेथड विल आल्सो हेल्प टू रिड्यूस वेस्टेज, ताकि वेस्टेज ना हो, है ना। जो स्क्रैप्स हम पटक देते हैं, है ना, जो मेटल हम स्क्रैप कर देते हैं, नहीं यूज करते, उन्हीं को रीयूज करना चाहिए ताकि हम और ज़्यादा एक्सट्रैक्शन ना करें। How is the mining activity injurious to the health of the miners and environment? है ना, जो माइनिंग एक्टिविटी होती है, जो लोग माइनिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, है ना, कोल फील्ड में होते हैं, ऑयल फील्ड में होते हैं, तो उनकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो कैसे फ़र्क पड़ता है, तो जो माइनिंग एक्टिविटी होती है वो उनकी हेल्थ के लिए इंजूरियस होती है, बिकॉज जो वो इनहेल करते हैं वो पॉइजनस गैस होती है। इनहेलेशन ऑफ पॉइजनस गैस एंड डस्ट मेक दैम वल्नरेबल टू पल्मोनरी डिजीजेज, है ना, जो लंग्स डिजीजेज होती है वो इफेक्ट कर जाती है उनको जब वो पॉइजनस गैस इनहेल करते हैं। माइनिंग में पॉइजनस गैस रिलीज होती है, डस्ट रिलीज होता है बहुत सारा जो वो इनहेल कर लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें लंग्स की डिजीजेज होती है। सो द रिस्क ऑफ कोलैप्स ऑफ माइन रूफ्स में रिस्क द लाइफ ऑफ माइनर्स, भाई अगर माइनिंग करते करते छत गिर जाए तो उनकी लाइफ को रिस्क है। प्लस इनंडेशन एंड फायर्स इन कोल माइंस आर अ कॉन्स्टेंट थ्रेट टू द माइनर्स। कोल माइंस में अक्सर फायर भी लग जाती है, तो ये भी एक उनका जान का खतरा है। तो यहाँ पर हम एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं। इट रिजल्ट्स इन कंटामिनेशन ऑफ वाटर, है ना, माइनिंग अफेक्ट्स द एनवायरनमेंट। माइनिंग कैसे कैसे एनवायरनमेंट को इफेक्ट करती है, वाटर का कंटामिनेशन हो जाता है एक जगह पर, प्लस वेस्ट को डंप कर देते हैं, स्लरी जो होती है वो लैंड को डिग्रेड कर देती है, सॉइल को डिग्रेड कर देती है, है ना, जिससे एयर और वाटर पोल्यूशन होता है। ठीक है, इन द प्रेजेंट डे एनर्जी क्राइसिस व्हाट स्टेप्स विल यू लाइक टू टेक फॉर सेविंग एनर्जी, है ना। एनर्जी क्राइसिस चल रहा है तो हम सेविंग के लिए क्या क्या करेंगे, तो मैंने आपको बताया था पहले भी कि अगर यूज़ में नहीं है तो स्विच ऑफ कर दो, सीएफसी बल्ब का यूज़ करो, है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करो बजाय के प्राइवेट के, अल्टरनेट सोर्स ढूंढो जैसे कि नॉन कन्वेंशनल या रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ करो। डिस्क्राइब एनी थ्री फीचर्स ऑफ फेरस मिनरल, है ना, फेरस मिनरल के फीचर्स बताने हैं हमें। फेरस मिनरल क्या क्या होते हैं, जिसमें 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यू जिसमें मेटालिक मिनरल्स होता है, है ना, इसका जो बेस होता है वो मेटालर्जिकल इंडस्ट्रीज में यूज होता है, और इंडिया जो है रिच है फेरस मिनरल्स में, ठीक है, सब्सटेंशियल क्वांटिटीज हमें है जिसका हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है, लोकल डिमांड्स को देकर। Which is the most abundantly available fossil fuel in India? This is the importance of its different forms, है ना? तो सबसे ज़्यादा abundantly क्या मिलता है, कौन सा fossil fuel है इंडिया में, तो सबसे ज़्यादा है coal। Coal का use हम domestic में भी करते हैं और thermal power plants में भी किया जाता है, ठीक है, to supply energy to industries, है ना। तो क्या क्या चीज़ें हैं different type का coal, एक है peat, lignite, bituminous और एंथ्रासाइट। लिग्नाइट जो है वो लो ग्रेड का ब्राउन कोल होता है, सॉफ्ट होता है, मॉइस्चर कंटेंट होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। बिटुमिनस जो होता है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है हमारे यहाँ पर, कमर्शियल और मेटलर्जिकल कोल है बिटुमिनस, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे मिलता है ये हमें, फॉर्म्ड ड्यू टू हाई टेम्परेचर डीप इन द इंटीरियर, हाई टेम्परेचर की वजह से ये बहुत ज़्यादा क्या है, मेटलर्जिकल है। इट हैज़ अ स्पेशल वैल्यू इन स्मेल्टिंग ऑफ आयरन इन ब्लास्ट फर्नेसेस,
ठीक है। एंथ्रासाइट जो है ये इसमें हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ हार्ड कोल है ये, इसलिए इसको एंथ्रासाइट बोला जाता है। इट हैज द हाईएस्ट कंटेंट ऑफ कार्बन एंड मेनली यूज फॉर पावर जनरेशन इन मेटलर्जी, है ना। तो पावर जनरेशन में ये यूज होता है एंथ्रासाइट। ऑलराइट, व्हाट आर द टू मेन वेज ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, कौन से दो तरीके हैं जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। तो एक तो बाय रनिंग वाटर, है ना, एक तो बाय रनिंग वाटर, बाय बर्निंग फ्यूल्स, है ना। रनिंग वाटर मतलब जब आप हाइड्रो टर्बाइन्स चलाते हो, टर्बाइन्स पे जब हाई हाइट से पानी गिरता है तो टर्बाइन्स रोटेट करते हैं जिसकी वजह से एनर्जी जनरेट होती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। फ्यूल को हम बर्न करते हैं जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, है ना। तो यहाँ पर थर्मल पावर से भी हम एनर्जी को जनरेट करते हैं। तो दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय वाटर, है ना, विच इज अ रिन्यूएबल सोर्स, और थर्मल इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल। फिर हम बात करते हैं, नेम द नॉन मेटालिक मिनरल विच कैन स्प्लिट इजिली इंटू थिन शीट्स, है ना। कौन सा ऐसा एक नॉन मेटालिक मिनरल है जो कि थिन शीट्स में बदल सकता है। तो मिका है ना, मैंने आपको बताया था, एक्सलेंट है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उसकी अच्छी है, लो पावर लॉस फैक्टर है, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज है, रेजिस्टेंस करता है हाई वोल्टेज को। कहाँ कहाँ मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, इंसुलेटर की तरह यूज होता है, पेंट्स में यूज होता है, टूथपेस्ट में यूज होता है, कॉस्मेटिक्स में यूज होता है ना, क्योंकि ये शाइनी अपीयरेंस देता है। ठीक है, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज इन इंडिया, मेंशन एनी फोर यूजेस ऑफ मैंगनीज। ओडिशा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मैंगनीज का, क्या क्या इसके यूज है, स्टील और फेरोमैनेज मैंगनीज एलॉय बनते हैं इसके, है ना, स्टील और फेरोमैंगनीज एलॉय बनते हैं, एज अ ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है ये, मैन्युफैक्चरिंग इंसेक्टिसाइड्स बनते हैं इसमें, है ना, रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है ये मैन्युफैक्चरिंग इंसेक्टिसाइड्स में और पेंट्स में भी यूज होता है। ठीक है, ये सब चीजें आपको याद रखनी है। डिफ्रेंसिएशन आएगा आपको, ठीक है, तो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का क्या है डिफरेंस, और विद एग्जाम्पल देना है। तो कन्वेंशनल एनर्जी क्या होती है, जो नॉन रिन्यूएबल होता है, है ना, जो बहुत कन्वीनियंटली आपको मिल जाता है, नॉन कन्वेंशनल जो कन्वीनियंटली नहीं मिलता है ना, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये पोल्यूशन कॉज करते हैं क्योंकि ये स्मोक और ऐश एमिट करते हैं, ये पोल्यूशन कॉज नहीं करते हैं। ठीक है, इनका जो यूज है, इनका जो जनरेशन है, इसमें बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर लगता है, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, फायरवुड, ठीक है, ये क्या है, ये तो आपको फ्री में मिले हुए हैं। ठीक है, जैसे कि सोलार एनर्जी, टाइडल एनर्जी, है ना, यहाँ पर भी इसको जनरेट करने में इससे एक्सपेंडिचर लगता है ना। फेरस और नॉन फेरस मिनरल्स में क्या डिफरेंस है, फेरस मिनरल जिसमें आयरन कंटेंट होता है, नॉन फेरस जिसमें डू नॉट हैव आयरन कंटेंट, है ना। फेरस मिनरल्स जो होते हैं वो लेस रेजिस्टेंस होते हैं टू कोरोजन, है ना, इसमें लेस रेजिस्टेंस होता है, मतलब यहाँ पर जंग लग सकती है, फेरस मिनरल में जंग लगती ही है आयरन कंटेंट होता है तो, और यहाँ पे जंग नहीं लगती है नॉन फेरस में, ये रेजिस्टेंस होते हैं कोरोजन के, ठीक है, रेजिस्ट नहीं ज्यादा करते हैं। सो आयरन ओर एंड मैंगनीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फेरस मिनरल्स, आयरन ओर एंड मैंगनीज, और यहाँ पर कॉपर, लीड, जिंक, गोल्ड, बॉक्साइट। ठीक है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल, है ना, मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स में क्या डिफरेंस है। तो मेटालिक मिनरल्स, है ना, मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड, है ना, ऐसे मिनरल्स जिसमें से मेटल हम एक्सट्रैक्ट करते हैं दैट आर मेटालिक, और वो मिनरल्स जिसमें से नॉन मेटल्स एक्सट्रैक्ट होते हैं दैट आर नॉन मेटालिक। तो ये मेटालिक मिनरल कैसे होंगे, मेलिएबल और डक्टाइल। ये मिनरल कैसे होंगे, नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल, है ना। मेटालिक मिनरल्स जो होंगे दे आर एसोसिएटेड विद इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, और नॉन मेटालिक मिनरल्स एसोसिएटेड विद सेडिमेंटरी रॉक्स। ठीक है, दे आर यूजुअली हार्ड एंड हैव शाइन लस्टर ऑफ देयर ओन, ठीक है, एंड दे आर नॉट नॉन मेटालिक मिनरल नॉट सो हार्ड, है ना, शाइन, नो शाइन लस्टर ऑफ देयर ओन, खुद का शाइन नहीं रहता है इसमें, खुद का शाइन रहता है ना, जैसे कि आयरन, कॉपर, बॉक्साइट, मैंगनीज, टिन, और यहाँ पर जैसे कि कोल, सॉल्ट, क्ले। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एग्जाम्पल डिफ्रेंसिएशन लिखना है विद एग्जाम्पल। ऑल राइट, तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपको एग्जाम में,
तो आपको क्या करना है, इसको याद करना है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। मिनरल्स कहाँ मिलते हैं, उनके एग्जाम्पल्स, डिफरेंसेस, ये सारी चीजें, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, आप यहाँ पर इंक्वायरी कर सकते हैं। प्लस आप प्रैक्टिस एजुकेशन को फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर और iOS प्लेटफॉर्म पर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। थैंक यू।